नहीं होती हम लोग की जिंदगी में, तो हम इनके बिना कुछ भी नहीं है। I am very grateful that you know ये है। I was not naughty, but फिर भी मेरी बहुत पिटाई हुई है। इसको लड़की कोई बोल नहीं सकेगा, लेकिन ये जितनी soft hearted है, शायद कोई और हो। हिटलर ये, मैं बेन तो ये। हम लोग बचपन में ही साथ फेरे ले लिए थे, चप्पल के साथ पीछे भागती थी। You can't describe my mother, so I can't describe my father. And how can I describe? For me, it was everything. So sorry. Yeah. जिम्मेदारी रही है, मुश्किल तो नहीं बोल सकती, बट ये तो फॉरएवर की जिम्मेदारी है। बट अगर जहाँ तक बड़ा करने की बात है इन लोगों को, तो आई थिंक इसमें सबसे बड़ा हाथ तो मेरी मम्मी का है। मैं काम पे जाती थी एंड मैं ये उन्हें संभालती थी। दोनों में से कौन बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है? हाँ, ये बट है, वो तीर यहाँ है, वो तीर यहाँ है। सबसे ज्यादा मस्तीखोर, सबसे ज्यादा बड़ बोला और सबसे ज्यादा प्यार करने वाला। हाँ, वो भी है। सबसे लाडला, लाड करने वाला भी यही है, मस्ती करने वाला भी यही है। ये वाला, ये गाय शांत बैठता है एकदम। जाएंगे तो माँ की परछाई तो आएगी ही बच्चों पर, दोनों पे ही है, उसपे थोड़ी कम एज पे ज्यादा है। मैंने भी नोटिस किया कि सागर की हैबिट्स मुझसे काफी मिलती जुलती। मैं अपनी नानी पे गया हूँ तो हाँ, मेरी और उनकी परछाई देखो। हाँ, बिल्कुल, सिर्फ ये है कि तू खर्चीला है और वो नहीं है। यू वेस्ट मनी, शी सेव्स मनी। दोनों बारी बारी, 6 महीने इसकी बारी, 6 महीने इसकी बारी। वैसे भी मिले जुले हैं, थाली के बैंगन है दोनों। बींग अ पेरेंट बाय इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट। आई एम नॉट गोना स्ट्रेस ऑन बींग अ सिंगल मदर, बिकॉज there are thousands and millions of women like me who are single parents, and everybody's journey is equally difficult and equally nice, so it's not fair to put it into a category where it's only difficult. It has its very sweet moments because I have them all to myself and I have all the love that I need, and I don't feel alone, I don't feel lonely, they don't make me feel lonely even for a split second. घर में घुसते ही चैं 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 चहल पहल तो रहती है, फील्स गुड। सो लाइक, बट एवरी कॉइन हैज़ इट्स यू नो, हैज़ टू साइड्स, सो या, बट डिफिकल्ट टाइम्स के साथ साथ यू हैव गुड मोमेंट्स आल्सो, यू हैव गुड टाइम्स आल्सो, सो यू हैव टू सी बोथ। आपके लिए आंटी वो मोमेंट कैसा रहा जब यू नो शी वाज प्रेग्नेंट विद हैंडसम बॉयज? इस बात में इन बच्चों के ग्रैंडफादर का बहुत बड़ा हाथ है, वो कभी किसी से डरे नहीं, कभी किसी से कुछ किया नहीं, वो बोलते मैं संभाल दूंगा, और उन्होंने संभाला भी बहुत है। But there was nothing to be scared about. I mean to say, the society doesn't pay my bills for me. We live our own lives. And I've always followed that. And she's made me extremely independent ever since I was a child. So I suppose in all our heads, every one of us in the family, it's been drilled in that you've got to be very, very independent. And you've got to fend for yourself. You've got to live your own life and make your own decisions. Be it wrong, be it right. You learn from your own mistakes. So that's about it. किए नहीं, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को पंचगनी बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था 6 साल, बिकॉज शी वॉज वर्किंग फॉर लाइक ऑलमोस्ट 24/7, तो इनके पास टाइम था नहीं तभी हम लोग को संभालने के लिए, तो हम लोग बोर्डिंग स्कूल में गए थे। वी यूज टू मिस, तो आती थी कभी मिलने, एक साल में 3 से 4 बार आती थी मिलने। मैं बोलना चाहूँ तो यू नो, मेरे हिसाब से तो शी शुड बी बिजी पूरा टाइम, बिकॉज वो हम लोग के एडवांटेज के लिए मेरे को चाहिए कि ये पूरा टाइम बिजी रहे, क्योंकि हम लोग ताकि घर पे यू नो जो करना है कर सकते हैं। ये बैठी है मेरी नानी, इनको हम लोग तंग करते पूरा दिन, ये सिर्फ रुकती है कि उनको आने के लिए कि मॉम कभी आएगी और मैं कब इनकी जाके शिकायत करूंगी कि पूरा दिन में इन्होंने क्या किया। आई स्टिल रिमेम्बर, अब बोलते हैं कि नहीं मिस करते हैं, नहीं मिस नहीं करते हैं, बट जब बोर्डिंग स्कूल में थे रोते थे एवरी टाइम व्हेन आई यूज्ड टू कॉल देम। आई थिंक सैटरडेज को कॉलिंग होता था, राइट मम?
एवरी सैटरडे टू सैटरडे वी कुड कॉल देम एंड स्पीक टू देम. रोते थे हमको यहाँ से लेके जो फुल मेंटल टॉर्चर किया इन्होंने, इमोशनल अत्याचार जिसको बोलते हैं ना, कोई इनसे सीखे. बट वो तो शुरुआत में था क्योंकि हम कभी ना ना, अकेले, तक अकेले रहे नहीं. नो नो क्योंकि हम लोग को आदत नहीं थी खुद से काम करने की. हम लोग को सब कुछ हाथ में दिया गया था, वी वर सर्व्ड ऑलवेज. तो हम लोग को महसूस होने लगी कमियां के थी. अब हम लोग को तब जाके मालूम पड़ी कि मेहनत क्या होती है, खुद से क्या क्या किया जाता है. जो बहुत शांत होता है ना वो मेन होते हैं हिटलर भाई, वो सिर्फ रुकती है. कब ये लोग शैतानी करे, कब मैं मेरी औलाद को फ़ोन करके बोलूँ कि देख तेरे दोनों औलाद मेरे को परेशान कर रहे हैं. और वो जब ये फ़ोन करती है, जब हम लोग के बारे में कंप्लेन करती है, मुझे गुस्सा आता. तो मैं बदले के लिए क्या करता हूँ, मार्केट से जाके वो कॉकरोचेस टॉयज होते हैं, जो फेक टॉयज होते हैं बच्चों के, वो सब लेके आ जाता हूँ, इनके ऊपर जाके छोड़ देता हूँ और ये भाग जाती है वहाँ से, नहीं तो रूम में अपने आप को लॉक कर देती है. और दोनों, मैंने दोनों के साथ ट्राई किया. ये बहुत डरती है मेरी मॉम, सबसे ज़्यादा डरती. एक चींटी भी देख ली इन्हें बेड पे, ये उछलेगी. सो दैट्स हाउ वी टेक द रिवेंज. इधर जब ये अकेले रहते तब कंट्रोल में होता है, अदरवाइज जब दोनों एक साथ में है तो आउट ऑफ कंट्रोल. जब दोनों साथ में होते हैं तो आप लोग नहीं देखना चाहोगे. हम भी घर से भाग जाना चाहते हैं क्योंकि रानी इरावती से कोई पंगे नहीं ले सकता. How will you describe उर्वशी as a अगर आज ये नहीं होती हम लोग की जिंदगी में तो हम इनके बिना कुछ भी नहीं है. डॉक्टर तो बहुत अच्छी है, ये लड़कों से तो 10 गुना ज्यादा अच्छी है. इसमें सब क्वालिटीज हैं, इसको लड़की कोई बोल नहीं सकेगा. मेरे आधे दोस्त मुझे लड़का मानते हैं. लेकिन ये जितनी सॉफ्ट हार्टेड है शायद कोई और होगा. इतनी सॉफ्ट हार्टेड है ये. बट लाइक मदर लाइक डॉटर ना, इफ शी इज द हिटलर शी इज आल्सो कोकोनट. ये किसी को तकलीफ नहीं देख सकती है, हमेशा रेडी रहती है हेल्प करने के लिए सबका. No, not really. I was so busy with work that the priorities changed once I came back, and my main priorities have been the boys and my parents. I lost my father 7 years ago, but for us he's still there. But it was all about priorities, and then work was so hectic at that point of time that you just didn't think about it. And I'm grateful I didn't think about it. Sometimes very difficult, and sometimes it was a smooth journey because I had my parents, and like I said, like these two were very cooperative actually. They knew it from the word go that I was working. And के हाँ काम पे गई है आ जाएगी. And funnily enough there were times when I used to work just in the opposite bungalow. There were shoots because they used to give out their locations, their bungalow for shoots. So it was good fun for me. I used to keep coming back home, keep checking on them कभी कभी. But when the whole 24/7 work started, that's when it started sinking in के now I'm barely getting any time to be with them. But then I had to make the choice, घर पे बैठो या फिर काम करो. I miss him, of course I miss him. For me it was like everything. I was completely a daddy's girl. She used to have a lot of problems with that. Meri to sunti hi nahi hai types. But yeah, I like you said, you can't describe a mother, so I can't describe my father. And nor can I describe him. For me it was everything. So sorry, yeah. Main thoda sa yahan pe kehna chahungi ki both my parents they are not very very unconventional parents, let me tell you. They are not like those typical parents. Like my mother has made me independent, fiercely independent since I was a kid. She always told me ke you know you have to be no matter what aage chal ke tumhe apni life jeeni hai aur tumhe hi jeeni hai, you know, you have to do everything yourself, so never depend on anybody. On the other hand, my father treated me like a boy and like a girl. For him I was everything. He has constantly been there for me. I could talk to him forever and ever and ever. So he's taught me a lot. He was a pilot, so he's flown, you know, all over the world, and he used to give me worldly knowledge, and I used to, so whatever little I know is because of him. And the strength and the willpower, it comes from both my parents. No, she used to sometimes, she would ask,
कई बार कहा कि अभी अच्छा है, अब तो मैं तो अभी भी बोलती हूँ, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब भी कर सकती है तुम। अरे आप बोलते हो ना इन लोगों से तो पूछ लो। इन लोगों का, क्योंकि ये अभी बड़े हो रहे हैं, अपनी फैमिली बनाएंगे या अकेली रह जाएगी, इससे बेटर यही है कि अपना कहाँ अकेली रह जाऊंगी, ये लोग नहीं छोड़ने वाले। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तो कभी होगा वो नहीं मालूम है। जो भी रूमर्स करता स्प्रेड, हम लोग उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तीनों का ऐसा एक बॉन्डिंग है जहाँ पे हम तीनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। वी टॉक अबाउट ईच एंड एवरी थिंग, वी डोंट हाइड एनी थिंग। तो अगर इफ़ शी लाइक्स एनी वन तो हम मुझे बोल देती है, नहीं तो किसी को भी, दोनों में से एक को बोल देती है, तो हम लोग को मालूम पड़ जाता है, तो छुपाने की बात नहीं है। आई रिमेंबर वंस आई रेड दैट आई एम डेटिंग अ बिजनेसमैन, आई सेड मुझे भी मिला दो यार, कौन है पता नहीं है, तुम पता कर लो, तुम पता कर लो कौन है। दे ऑल नो, वी ऑल नो एवरी थिंग अबाउट ईच अदर, वी आर सो क्लोज। ये नहीं करता है उतना, ये तब करता है जब फाइनल, मतलब ओके फाइन, ओके हाँ ठीक है, लाइक वी हैव टू जस्ट रियलाइज के अच्छा ये गलत, एक्सेप्टेड टाइप्स, दिस वन इज एवरीथिंग। ये माँ कम और दोस्त ज़्यादा है, मैं वो कह सकता हूँ, तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मैं कुछ गलत काम करता हूँ नहीं जो उनसे छुपाऊँ, तो जो भी है मैं, जो भी मेरी लाइफ में, मैं सब कुछ बता देता हूँ उनको, इनको नहीं बताता हूँ। With my mom, like if I have anything in my heart or my mind, I share it with her. बचपन में ये कैसी थी, मतलब एकदम नॉटी थी या कभी ऐसे आपको महसूस होने नहीं दिया कि इनको संभालने की जरूरत नहीं है, आपको ही संभालना? अच्छा द फनी थिंग इज, कैन आई आंसर दिस, आई वाज नॉट नॉटी बट फिर भी मेरी बहुत पिटाई हुई है। क्यों? एंड आई डोंट नो व्हाई, पढ़ती नहीं थी, यू नो, बस आई वाज नेवर नॉटी बट आई वुड नॉट वांट टू स्टडी। पढ़ने के लिए मुझे बहुत होता है, इन दोनों को भी बहुत पिटाई की, ये भी पढ़ते नहीं थे इसलिए हॉस्टल में कर दिया। हम लोग बचपन में ही साथ फेरे ले लिए थे टेबल के, वो मेरे को याद है, चप्पल के साथ पीछे भागती थी, वो मेरे को अभी भी याद है कि पढ़ाई नहीं हो रही है। आई स्टिल रिमेंबर, आई टेल यू एन इंसिडेंट, अ वेरी फनी इंसिडेंट। तो वन डे शी हैज टाइड माय लेग With my favorite red, red used to be my favorite color bachpan mein, everything had to be red for me, red color scarf. She's tied my one leg to the, to the table ka leg, to the dining table, and I got so scared. I was a very timid child that way, quiet, timid. पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करोगी जब तक, तुम नहीं करोगी तब तक यहाँ से उठने ही वाली। Imagine how can my, like our generation was so daft, at least I was daft. मतलब हाथ खुले थे फिर भी खोल नहीं पाते थे, इतना डर था मम्मी का, ओ मम्मी ने पैर बांध दिया, खोलेंगे तो पिटाई होगी, धुलाई होगी, हुई है काफ़ी धुलाई हुई है, मार मार के सीधा किया। दिन इनके अवश्य ही होती चालू अपने घर में, एसी ऑन रहेगा रूम में, वो रूम खोल के चले जाएंगे, उठ जाओ अभी टाइम हो गया 8 बजे इनका। सो विद देम, बट विद देम दे शी स्टिल लाइक ओके, मेरे टाइम में तो सीधा अगला चद्दर खोल जाती थी, उड़ा हम लाइक ओके उठियो। अभी भी डांट पड़ती है आपको? अभी हाँ, अभी भी डांट पड़ती है, पड़ती है। कौन कौन सी बातों पे अभी डांट करती है? नहीं कभी सोती रहती है, उठती बोल दिया मेरे को 7 बजे उठा देना, 7 बजे से उठाना शुरू करते हैं, 8 बज गए भाई उठ जाओ, फिर गुस्सा आता है कि तुमको जाकर नहीं उठना था तो क्यों मेरी नींद क्यों खराब करती हो, तुम्हारी वजह से मैं जागती रहती हूँ, मुझे जाके टाइम पे उठाना है, बस उस टाइम पे होता है इसका उठने का बहुत प्रॉब्लम है। नहीं नहीं अलार्म मुझे बना रखा है असल में घर में। कभी मम्मी ने दोनों में से किसी को बहुत पीटा? ओह मेरे पास अभी भी एक टी शर्ट पड़ा है जहाँ पे आई गेस मैं फेल हुआ था, हिंदी में फेल हुआ था मैं, और ये चाहती थी कि मैं पास हूँ, और हम लोग एक साल से हिंदी के ट्यूशन भी ले रहे थे, मुझे हिंदी पढ़ना भी नहीं आता है और ना ही लिखना आता है, ऑनलाइन इंग्लिश जाके देखा कि मैं हिंदी में फेल हुआ, और रूम में आके इंग ने इतना मारा मुझे, और मैंने सोचा था कि वो शर्ट को लैमिनेट करके मैं ऊपर रखूँगा, यहाँ से फाड़ा था इधर से फाड़ा था, तो वो रूप आप देखना नहीं चाहोगे, और मैं भी वापस से कभी देखना चाहूँगा नहीं, वो तो कोई भी पेरेंट करता है क्योंकि दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम द चाइल्ड, सो वो तो है मेंटेलिटी होती है, और इंग ने इतनी मेहनत की है बचपन से, तो इन्हें इतना नहीं नहीं एक्टर बनना है तो हिंदी तो सीखनी ही पड़ेगी ना। हाँ तो अभी जरूरी नहीं, अभी तो इंग्लिश में भी आ जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तो आई सी हाँ, मगर अभी भी वो टी शर्ट पड़ी है मेरे पास, आप कहो तो मैं लेके भी नहीं, आ सकता हूँ। नहीं, नो, थैंक यू। मैंने अभी भी रखी है, मैं बोला ये रखूंगा आगे जाके
मैं मेरे बच्चों को दिखाऊंगा. But I would love for them to move out in the sense to make their own life, to make their own families, to make their own homes. I think it is of utmost important. If I can do that, they are boys, they should be doing that. Not just boys, girls do it. I mean, is it today we instill confidence, instill independency in girls? So I would do the same to my boys. Why not? I want them to have their own life. I want them to have their own homes, make their own homes. Pata to chale responsibility. Responsibility kya hoti hai? Pata chalega. But I would love for them to have that, and I'll be the most happiest when that happens. Aaj tak nahi kisi ko bolti ki Komali ka meri beti hai. Kyunki mujhe ye पसंद नहीं आता है. पूना गए थे तो इसका कुछ यहाँ भूल गई थी तो इसके लिए ख़रीदने गए मार्केट में. मेरी दो फ्रेंड साथ में थी, कुछ बैंगल्स वगैरह, हाँ पेटीकोट्स वो लेने गए. तो पेटीकोट लिया तो वो मुझे बोलते हैं कि आपको मैं एक अच्छा प्रिंट दिखाता हूँ जो कोमली का यूज़ करती, कोमली का प्रिंट दिखाऊँ. अब मैं तो चुप हो गई. मेरी दूसरी फ्रेंड बोलती, तू जानता है कौन है ये? बोलते मुझे क्या मालूम, आपके साथ आई है, आपका ये कोमली का किमा है. वो बोलते सॉरी. मुझे तब पता चल गया कि अभी इसके नाम से मतलब बिंदिस तो मैंने सुनी थी, ये साड़ियों का भी आ गया तो मुझे नहीं पता था तब तक. ये वहाँ पे पता चला मुझे. फेवरेट रोल कसौटी जिंदगी की कोमली का, क्योंकि ये नाम मैंने बचपन में काफ़ी यूज़ किया है. क्योंकि जब हम लोग पंचगणी में थे तो हम लोग के जो स्टूडेंट्स होते थे, जो सीनियर्स होते थे, बुली करने की बहुत आदत होती थी वो लोगों. तो मैं रुका था एक दिन के लिए. कब वापस हो गए? आई वॉज वेटिंग फॉर द टाइम टू टेल देम हु माई मदर वॉज, हु माई मदर इज. बोला कोमली का को जानता है तू? हाँ, वो मेरी माँ है. तो कभी कभी हम लोग उसके बाद आज तक दोनों को परेशान कभी किया नहीं. और आज भी कभी भी हम बाहर जाते हैं तो इनके वजह से हम दोनों को पहचान मिली हुई है. जो तो काफ़ी लोग, पीपल रिस्पेक्ट अस, दे टॉक टू अस, दे कम एंड दे मीट अस एंड दे टेक पिक्चर्स एज वेल, दे आस्क अबाउट हर. सो वी आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हर एंड व्हाटएवर रिस्पेक्ट आई गेट आई रियली अप्रिशिएट इट फ्रॉम एवरीवन आउट देयर. I love you and you need to love yourself, you need to believe in yourself. And yes, you know, people have chosen this day to be a Mother's Day, so I request all the children, in fact, to, you know, make sure that their mother is treated well, she's happy, and because trust me, she's anyway a very happy person because she has all of you, and that's what a mother is all about. And you know, a mother is all about sacrifices. My mother has sacrificed a lot for me. Hi, I'm Urvashi Dholakia and you're watching me on timesofindia.com.